नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने बायजूस एग्जाम प्रेप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करेक्शन विंडो जो है ओपन हो चुकी है, सेकंड एंड थर्ड जून तक जो है इसकी जो है मैं कहूँगा लिमिटेशन है, आप सेकंड और थर्ड जून तक इसको एडिट कर सकते हैं। ये पीछे आप मेरे स्क्रीन देख रहे होंगे जहाँ पर मैंने पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर लगा के रखी है। मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है। तो जिन्होंने भी आधार कार्ड को वेरीफाई कर लिया है, उनको कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है मोबाइल नंबर में, ईमेल एड्रेस में, परमानेंट एड्रेस में या कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस में। उनको कोई भी चेंज अलाउड नहीं है कैंडिडेट के नेम में, डेट ऑफ बर्थ में और जेंडर में। उनको कोई भी चेंज अलाउड नहीं है अपनी फोटो में। चेंज अलाउड है तो फादर या मदर में से किसी एक के नेम में। ध्यान से आप इस वीडियो को रिपीट में भी सुन सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने आधार कार्ड को वेरीफाई नहीं कराया है उनको कोई भी चेंज अलाउड नहीं है मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस में। और जिन्होंने भी आधार कार्ड वेरीफाई नहीं कराया है वो अपनी फोटो में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। चेंज अलाउड होगा अपने मदर या फादर के नेम में, तो एनी वन ओनली। इसके अलावा नीचे सारी की सारी जानकारी लिखी है। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं, जो ऊपर लिखा है जिसमें चेंज नहीं अलाउड है उसके अलावा आप किसी भी चीज़ में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये थी अभी की जानकारी। ये सारी की सारी जानकारी आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रही होगी, नीचे लिंक भी डाल दूंगा, तो ध्यान से एडिट कर लीजिएगा। सेकेंड एंड थर्ड जून तक इसकी जो है मैं कहूँगा लिमिटेशन है, आप एडिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना।